बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं की वजह से गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा निवेशकों की पसंद बन रहा है। यहां आ रहे निवेशों के प्रस्ताव और जिन प्रस्तावों पर काम हो रहा है वह इसके सबूत हैं। सब कुछ इसी तरह रहा तो प्लास्टिक पार्क, आईटी पार्क, गारमेंट पार्क, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनने वाले औद्योगिक गलियारे, धुरिया पार्क की औद्योगिक टाउनशिप समेत अन्य योजनाओं के जरिए अगले 5 साल में यह उत्तर भारत का दूसरा नोएडा बनने की राह पर होगा। मालूम हो कि बहुत पहले से गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, इस नाते यह रेल सेवा के जरिए पूरे देश से जुड़ा है। गीडा के बीचों बीच गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली 4 लेन सड़क है, इसके जरिए गीडा पूर्वोत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ता है। इसको 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद इसकी रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। गोरखपुर में पहले से ही एयरपोर्ट है, मौजूदा समय में यहाँ से देश के सभी प्रमुख महानगरों के लिए नियमित फ्लाइट्स है। करीब 50 किमी दूर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोने पर सुहागा जैसा है। इस तरह से कनेक्टिविटी के लिहाज से गीडा को वैश्विक स्तर की सुविधाएं हासिल हैं। इन्हीं बेहतरीन सुविधाओं की वजह से गीडा न केवल देश बल्कि विदेश के निवेशकों की भी पसंद बन रहा है। 2 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के साउथ एशिया के ट्रेड कमिश्नर एलन जेमल का दौरा और यहाँ के परिवेश की तारीफ इसका प्रमाण है। अगर गीडा के इतिहास, मौजूदा और प्रस्तावित निवेश की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मौजूदा समय में यहाँ की 600 इकाइयों में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। गैलेंट इस्पात इंडिया, ग्लाइकॉल्स, अंकुर उद्योग, क्रेजी फूड्स एबीआर, पेट्रोकेमिकल्स एआरपी ग्रुप, इंडियन ऑयल, पार्ले फूड्स, सप्लाइज इंडस्ट्रीज एसडी इंटरनेशनल आदि प्रमुख इकाइयां हैं। प्रस्तावित प्रमुख उद्योगों में कियान इंडस्ट्रीज, सीपी मिल्क, तत्व प्लास्टिक, क्वार्टर्स, ओपेलवेयर, आदित्य मोटर्स, बुद्धा ट्रस्ट आदि हैं। इन इकाइयों का कुल निवेश 1,000 करोड़ से अधिक है। इनके लगने पर 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ओडीओपी योजना के तहत प्रदेश सरकार 60 करोड़ रुपए की लागत से गारमेंट पार्क बना रही है। इसके लिए 56 निवेशकों को प्लाट भी आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से हाल ही में गोरखपुर में कुछ बड़े ब्रांड के होटल खुले हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। इनमें हॉस्पिटैलिटी में दक्ष लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का प्रस्ताव है। इस बाबत 6 एकड़ जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा गोरखपुर लखनऊ एवं सोनौली कुशीनगर राजमार्ग के जंक्शन 0 पॉइंट पर 240 एकड़ व्यावसायिक और आवासीय परियोजना के लिए प्रस्तावित है। फर्स्ट फेज के लिए भूमि 70 एकड़ भी अधिग्रहित की जा चुकी है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में 8,385 एकड़ में टाउनशिप बनाने और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव अलग से। ये सारी योजनाएं अगले 5 साल में मूर्त रूप लेने लगेंगी। इसके साथ ही न केवल गीडा का बल्कि पूरे क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य बदल जाएगा।